hello everybody before i start the video here is something that i wanted to play please uh, clear attention to so this is some people who are just using our name to launch their i don't know some prelim series evo i don't know if it's paid or not but uh, they are blatantly using they understand upsc name you can clearly see all of these things so please do not fall for these things they are just using our name it has nothing to do with us okay these can be fake these can be misleading i have no clue i don't know who these people are but they are doing this okay mm -hmm. So all I wanted to do is that you just be aware that they are not us. They are not understand UPSC. They are just using the name of understand UPSC. Now we can't do anything about it because understand UPSC is not yet. Uh, we have not registered it. We have not yet made a claim over it. So anybody can use that particular name. But you please be aware of on your side as students that uh, you do not fall for any such traps on our names. Okay, that is what I wanted to share with you. ये होगा है ना ये होता रहेगा वी डू नॉट केयर अबाउट दीज थिंग्स बट आर स्टूडेंट्स आर एस्पायरेंट शुड नॉट फॉल बिकॉज दे ट्रस्ट आस है ना दे ट्रस्ट दे अंडरस्टैंड यूपीएससी नेम उस नाम की वजह से कहीं इधर उधर नहीं फंसना है सो ऑल देर द चैनल इज दिस अंडरस्टैंड यूपीएससी यूट्यूब चैनल एंड द अंडरस्टैंड यूपीएससी टेलीग्राम चैनल बस यही दो चीजें हैं जहां पर आपको सारी अनाउंसमेंट्स मिलेंगी Any link provided on these channels, PDF on these channels is what you have to access. Okay, this is the link. This is also given in the description, in the comments, and this is the number of subscribers. It has more than seventy-one thousand subscribers, and this is the Understand UPSC YouTube channel. All right, so please have a look at it. Now, now let's begin. Good morning, everybody. My name is Satyam Jain, and in this particular video, we are going to give you the modern history complete complete solution. Now, what does that mean? I am telling. I am going to tell you the strategy, the trends.

बिकॉज इट इज सच अब्जेक्ट दैट इट हैज़ बीन ऑन द कोर ऑफ प्रिपरेशन इट्स वेटेज माइट इंक्रीज एनी पर्टिकुलर ईयर ये कभी भी बढ़ सकते हैं ना ऐसा हो सकता है कि इस पर्टिकुलर साल आठ क्वेश्चन आ जाए दस आ जाए सो यू नेवर नो ठीक है बट आई एक्सपेक्ट कि मिनिमम पाँच क्वेश्चन तो आते ही है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से इतने तो आएंगे ही आई एक्सपेक्ट दट एंड आई टेल माई स्टूडेंट्स टू एक्सपेक्ट दैट बट वॉट यू डरस्टैंड दिस दट है इट बट नोट गेट ऑबसेज दोअर इट कि यार हम दस बुक खरीद के ले आएं यू डोंट है दोअर इट ओके सो जस्ट डू उतना ही करो जितना इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा एंड यू विल बी थ्रू जितना रिक्वायर्ड है उतना कर लोगे कट ऑफ क्लियर हो जाएगी मेन लिखोगे विच इज इंपॉर्टेंट है ना कोई फिल्म मास्टर बन के कुछ आपको फायदा नहीं होने वाला है सो डू एज मच एज इज टोल्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड यू विल बी थ्र राइट डो नॉट गेट ऑप्स विद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जस्ट बिकॉज यू आर फाइंडिंग इट फैसिनेटिंग एंड बिकॉज योर सीनियर्स एंड योर सो कॉल्ड मेन्टोर आर टेलिंग यू दैट यू टू रीड द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री दिस दिस दैट दैट वो सब नहीं करना है जितना बता रहा हूं इस वीडियो में उतना ही कर लेना चलिए ट दोर्सेज कुछ नहीं है बिल्कुल सिंपल सी चीज है देर इज दिस बुक कॉल्ड स्पेक्ट्रम थमनेल में भी जिसकी पिक्चर थी आप सब जानते होंगे इसके बारे में दिस इज अफ हिस्ट्री ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया रिटन बाई राजीव अहर सर इज अस ऑफिसर एंड पब्लिश बाई स्पेक्ट्रम तो फेमसली स्पेक्ट्रम के नाम से आती है इट्स अ वेरी थिक बुक नाउ दू विटिकलर बुक इज दट इनिशियली विन इट केम इट वॉज ऑफ अराउंड फाइव हंड्रेड पेज फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड पेजेस अभी ये बुक हजार पेजेस की होगी बिकॉज ऑफ द अपडेशन इसके अपडेट में लिखते भी वो लोग ये बट वी कॉन्ट डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज नाउ वी हैव दिस बुक रीड इट तो, right, तो इसीलिए तो इस वीडियो में समझा देता हूं आपको लेट मी टेक यू थ्रू ऑल्टर्स एंड यूसो अंडरस्टैंडिंग एरियाज ऑफ किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है all right? ये सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स देखेंगे बाकी लोग स्किप कर देंगे नाउ आई आइए शो शॉर्ट नोट्स ऑफ द मॉडर्न इंडियन स्पेक्ट्रम वी वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू हैव नॉट मेड स्पेक्ट्रमड बटर गुड ओके सो यू विल इंटीग्रेट इन योर प्रिपरेशन आई टेल यू हाउ ओके शुरू करें चलिए सो दिस इज द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाई राजीव वही सर एंड पब्लिश बाइ स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन लिखा भी होगा शायद हाँ स्पेक्ट्रम बुक्स प्राइवेट लिमिटेड नाउ यू टू बाय दिस बुक ओके वी पीडियो इन डोर्स जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा रूप

तो यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं सो यू हैव टू कवर इट नाउ फॉर एक्साम्पल लुक एट दिस चैप्टर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया नाउ नॉ दिस इंपॉर्टेंट बिकॉज वो पूछ लेगा फैक्ट्रीज हुई थी ना पहले कौन आया बाद में कौन आया मी शो यू हाउ टू कवर इट सो आर द शॉर्ट नोट्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री दैट वी विल बी कवरिंग

नहीं पढ़ी जाती है पूरी की, पूरी, over over तो एक ही बार पढ़ते पढ़ते आपको क्या करना है या तो आप खुद के शॉर्ट नोट्स बना लो जैसे ये हैं इनको देख के नहीं तो देर इज बेटर ऑप्शन क्योंकि पहले बार पढ़ोगे पूरी बुक लिख दोगे डोंट डू दैट क्या करो ये वाले शॉर्ट नोट्स उठाओ उस बुक से जो पढ़ रहे हो अगर ऐसा कुछ भी लग रहा है कि इसमें मिसिंग है तो ऐड करते जाओ या फिर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी लग रहा है ना दीज आर जस्ट अराउंड सिक्सटी पेजेस सिक्सटी फोर पेजेस के है ये पूरी स्पेक्ट्रम के शॉर्ट नोट्स हैं ये ओके सो जस्ट रीड दैट पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम बुक एक चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर में देखते जाओ ये पूरा समझ में आता जाएगा ये सीक्वेंस वाइज बने ठीक है

Mains के आंसर्स में जो कॉन्टेंट यूज करना है वो यहां से आ जाएगा पूरा पूरा आ जाएगा सो so, इसका प्रिंट ही ले लो मैं तो बोल रहा हूं ये 60, 64 पेजेस की बुक है इसका uh, notes, इसका शॉर्ट नोट्स प्रिंट ले लो एंड कवर इट कवर इट अलोंग विद योर स्पेक्ट्रम तो इससे क्या होगा कि आपका डन हो जाएगा एक ही बार के यू विल नॉट नीड टू रिविजिट अगेन एंड अगेन मेरी बात समझ में आ रही है जैसे ये है वाई द इंग्लिश एक्सीडेड अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर्स दिस वॉज एक्जेक्टली आज इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू प्रोबेबली बट आर्मी के ऊपर पूछा था ये है ना तो उसके शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे आपको सो इट विल कवर योर मेन्न ऑलसो ये बहुत ही सही चीज है ट वट एव टू डू इज ये पढ़ते सिर्फ ये नहीं पढ़ लेना है ना बहुत लोग ऐसा करेंगे सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ लेंगे डोंट डू दैट योर स्पेक्ट्रम गो थ्रू दिस नोट्स पैड एंड कीप ऑन एडिंग कीप ऑन एडिंग अपने अंडरस्टैंडिंग छोटा 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 इसमें ऐड करते रहो है ना मैक्सिम भी कर लोगे तो कितना कर लोग जितना स्पेस है यह भर दोगे एंड मैक्सिमम पंद्रह बीस पेजे और एड कर दोगे राइट थाउजेंड पेजेस को मैं कह रहा हूं हंड्रेड पेजे में भी ले आए रिवाइज करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए रीड दम अगे एंड अगेन, अगेन. ये फोर है मैं कह रहा हूँ अपना ऐड करते 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 कितना तीस पेजेज और भी ऐड कर दोगे इससे ज्यादा तो नहीं होने वाला है ना? इसमें तो ऑलरेडी पूरा तो, तो कुछ नहीं है बट दैट यू नीड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आपके अपने पर्सनल नोट्स बन जाएंगे ठीक है ये कर लो अपने स्पेक्ट्रम के नोट्स बनाने मत बैठो अगर बनाने हैं तो अच्छी बात है मना नहीं कर रहा हूं बट डोंट एंड एंटायर बुक फिर इस पैटर्न पे बनाना जो पर्टिकुलर पैटर्न दे रहा हूं इस पे बनाना जैसे ये देखो आप है ना हर पर्टिकुलर रूरल का टाइमलाइन दिया है एंड साथ साथ में उसके टाइम पे क्या हुआ सो दिस एंटायर थिंग इज कवर्ड इन दिस छोटी से टेबल अच्छा भाई क्रेडिट्स और थैंक्स यार जिसने भी नोट बनाया मेरे को आज तक मिला नहीं है वो इंसान जिसके नोट्स हैं बट जिसके भी हैं लाइक रियली दैट पर्सन ठीक है बात समझ में आ गई देन लेट्स मूव अहेड फिर ये वाला चैप्टर आपका चलेगा देन जैसे ये है पीपल्स एजिस्टेंस ब्रिटिश रूल अब यहां से ट्राइबल रिवोल्ट इंपॉर्टेंट है

डज दैट मीन दैट व्यू कैन स्किप इट नो क्यों क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आ सकता है तो हम इसको स्किप भी नहीं कर सकते हैं बात समझ में आ रही है सो यू लेव टू रीड इट रीड करो एंड सिमिलरली यू विल जस्ट वट यू विल डू इज यहां से इसके नोट देखते जाओगे तो इसके नोट्स में पूरा का पूरा कवर मिलेगा आपको देखो सारे वॉर वगैरह है ना फर्स्ट एंग्लो मराठा सेकेंड थर्ड उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई पंजाब का कंकेस्ट क्या है तो ये पूरा कवर्ड है इसमें है ना यहाँ परुलर आपकी खत्म हो रही है देन ये people's जो अभी आपको दिखा रहा था इसी में ये देखो लुक एट गिवन इन आप याद कर सको ताकि आपको बार बार बुक ना पढ़नी पड़े बट दैट मीन सी ट्रेबल रिवॉर्ट है ना, See, है ना है पूरा पूरा का, पूरा का पूरा इसमें अगर कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि यार ये चीज पर्टिकुलर मिसिंग है अपने नो, इन्हीं नोट्स में यहाँ पे साइड में एड कर लो और जस्ट एड अ पेज एंड एड तो इससे आपका पेजेस में आपका ये हो जाएगा। जितनी भी इसमें जरूरत है आपको। एक ही पेज में रहता है एक पेज के के आसपास में 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 हो गया तो when you read that, तो आपको causes समझ समझ आ आ जाएंगे जाएंगे और किस ने उसको कब किया एंड यू आर डन इतने तो चाहिए इस पर्टिकुलर चीज से है ना फेल क्यों हुआ सो ऑल ऑफ दिस बहुत शॉर्ट में कवर्ड है बहुत सही डू गो थ्रू ठीक है फिर सोशो कल्चरल

कॉन्सेप्टअल क्वेश्चन वन यू रिमेंबर हिस्ट्री बाई द काजेज एंड रीजन है ना एवरी इफेक्ट अ कॉज तो क्या कॉज था क्या कॉज था क्यों आ रहा है सोशियोजिस्ट फॉर मूवमेंट दट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यू नीड सो फॉर दैट यू नीड दिस लिंकिंग चैप्टर्स ओके सो यू हैव टू रीड देम एंड देन यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स वो याद करना है वो वो पढ़ना है वो समझना है और इसको याद करना है इस तरीके से हिस्ट्री पढ़नी है ठीक है बात समझ में आ गई और ये कहां से ये कहां सब कहां सब शॉर्ट में मिल जाएगा नोट्स में मिल जाएगा तो आपका काम सॉर्टेड है अगेन जैसे ये है बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा ही नहीं बट इसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्यों बना मॉडरेट्स कौन थे ठीक है सो दिस इज हाउ आई विल पोस्ट दिस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं इसको इंडेक्स द पीडीएफ ऑफ दिस ऑन द टेलीग्राम चैनल ठीक है अंडरस्टैंड यूपी से टेलीग्राम चैनल पर ही शॉर्ट नोट्स आएंगे ये सब आएगा जस्ट गो थ्रू दीज थिंग्स अब जैसे ये है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन नेशनलिस्ट रिस्पॉस नहीं है ये इंपॉर्टेंट बट जैसे इससे पर्टिकुलर साल क्वेश्चन आ गया था कि भाई गांधी जी का क्या ओपिनियन था रिगार्डिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कि भाई सिपाही भेजने चाहिए कि नहीं भेजने चाहिए तो इसलिए अब वो क्वेश्चन बहुत आसान है इफ यू हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको रटना भी नहीं है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई गांधी जी क्या सोचते थे इफ यू हैव दैल यू विल मेक श्योर दट यू कैट इन द मार्क्स अपना दिस इज यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है यार है न? गांधी जी का इमरजेंस गांधी जी ने क्या किया नॉन कॉपरेशन खिलाफ अब जैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको बस एक रीड करके छोड़ दो रीड करके साथ साथ इसके नोट्स देख लो एंड यू आर डन विद दिस चैप्टर यू नेवर नीड टू विजिट दम बैक ठीक है साइमन कमीशन सिंगल टिक है सिंगल टिक मतलब बहुत ही बहुत ही कम इंपॉर्टेंस तो जस्ट रीड सीधा शॉर्ट नोट्स कुछ लगे ऐड करो खत्म करो जस्ट दैट इतना ही बट नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिविल डिसोबीडेंस बार बार क्वेश्चन आते हैं इस पर्टिकुलर से खैर बहुत क्वेश्चन आते हैं उ लुक एट दिस पर्टिकुलर है ना कि फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या फर्स्ट फर्स्ट डिबेट वगैरह नहीं पूछेगा कोई बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंटेंट हो जाता है स्पेसिफिकली तो इस पर चीज पे मैं दो टीम मार देता हूं ठीक है यह पर्टिकुलर चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है नाउ कांग्रेस रूल्स इंपॉर्मेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट ने रिस्पॉन्स नॉट दट इंपॉर्टेंट बट यू टू जस्ट गिवि द मै रीड एंड रिमेबर द कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बना लो अपने 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 दिमाग में तो फिर आराम से हो जाएगा कॉन्सेप्ट के अंडस्टैंड बनती है आराम से हो जाएगा दे दिस बिकम इंपॉर्टेंट इंडिया मूवमेंट अभी दो साल पहले क्वेश्चन आए ठीक है पोस्ट वॉर सिनेरियो बिकम्स इंपॉर्टेंट ठीक है क्योंकि इसमें आई एन ए आई एन ए का क्वेश्चन आया था दो तो साल पहले नाउ फिर इंडिपेंडेंस मिल गया आपको तो इसमें अपने माउंट बेटन वगैरह पढ़ लिया यू आर डन विद दिस इसमें पूरे की पूरी अच्छा नाउ टाइम फॉर अच्छा चलो ठीक है बाद में बताता दो अनाउंसमेंट नाउ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज हाईली 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 इंपॉर्टेंट तीन टिक है इस पर बट ये लक्ष्मीकांत के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ना है. है ना अकेले अकेले नहीं पढ़ना है क्योंकि ये सब लक्ष्मीकांत में पढ़ के आए हो तो क्या करना है यहीं से लक्ष्मीकांत और इसको इंटीग्रेट कर लो इसमें अगर कुछ नया मिले लक्ष्मीकांत में ऐड कर दो डन

इकोनॉमिक इम्पैक्ट हाईली ये क्वेश्चन पूछा गया था ना आर्टिश हैंडीक्राफ्ट अभी एक साल पहले कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एक्जैक्टली आस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब पे तो तीन तीन टिक मान लो आप ठीक है ये पूरी यूनिट पे तो ऐसे थ्री टिक्स मान लो दिस वेरी इंपॉर्टें दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश देन सिमिलरली ये डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस एजुकेशन मैंने आपको बताया दो जस्ट एक सिंगल पेपर में तीन क्वेश्चन थे एजुकेशन से तीन क्वेश्चन एक सिंगल चैप्टर से एजुकेशन है ना एग्जैक्टली कोटेड वोट्स डिस्पैच एक्जेक्टलीटेड ये इंटरिस्ट एंग्लिस एक्जेक्टलीटेड यह सब चीजें कोट करके दे देता है प्रेजेंट मूवमेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ठीक है यह मूवमेंट ऑफ तो वर्किंग क्लास उतना इंपॉर्टेंट नहीं सो दिसके so, okay. नहीं पढ़ना आपको यूनिट टेन से बिल्कुल नहीं पढ़ना पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आते हैं तो भी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से सोल्व हो जाएंगे नहीं तो स्क कर देना एक क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो पिछले चार पांच साल में एक दो क्वेश्चन आया डॉट है डो नॉट है थर्टी नाइन कुछ नहीं पढ़ना इसमें से है ना ये जस्ट ऐसे ऐड कर दिया गया क्योंकि एक अलग बुक बिग रही बिक जाती थी इस पे पॉस इंडिपेंडेंस के नाम तो जस्ट डोंट हैव टू टू डू दिस नाउ लेट्स कम दिस इज इंपॉर्टेंट है ना ये इंपॉर्टेंट है इसमें से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जैसे न्यूज पेपर जनरस तो इसको आपको लाइक अलग से पढ़ना है यू हैव टू रीड इट एंड यू टू जस्ट मार्क थिंग्स फ्रॉम इट इसमें मार्क करना है इसी को रटना है इसी को बार बार रिवाइज करना है दिस इज समथिंग दैट हैव टू बी रिमेंबर्ड याद होना चाहिए ये इसमें भी स्पेसिफिकली गवर्नर जनरल एनुअल सेशन के इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ना लीडर और इवेंट फिर सोशल पीछे पढ़ के आइयो उसके पास ब्रीफ समरी है तो यहां से पढ़ लेना वहां से पढ़ लेना नोट में से पढ़ लेना कैसे पढ़ लेना एक जगह कॉम्प्रसिव कवर करना बार बार एक चीज रिपीट नहीं करनी है कि यहां से पढ़ रहे हो वहां से पढ़ रहे हो, वहां से पढ़ रहे, हो, से पढ़ रहे हो, एक जगह सिंगल सिंगल पॉइंट सिंगल पॉइंट सोर्स होना चाहिए सिमिलरली ये चीज इंपॉर्टेंट है ओके बाई दिस यू विल बी डन विद यर रीडिंग ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड एक ही बार के में खत्म करना है ये. एक बार के में शॉर्ट नोट आपके साथ बिल्कुल तैयार हो जाने चाहिए ऐसा नहीं कि और कमिंग बैक अगेन एंड देन रीडिंग स्पेक्ट्रम भाई बहुत टाइम लगता है दिस इज अ वेरी बिग बुक तो एक बार के में एक बार के में कवर करो एक बार के में खत्म करो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बैठाओ फैक्चुअल चीजों को याद फैक्चुअल चीजों को शॉर्ट नोट्स में डालो कम, बार 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 रिवाइज करना उन शॉर्ट नोट का डिवाइड बन जितने क्वेश्चन आएंगे सॉल्व हो जाएंगे जितने रिक्वायर्ड है मैं ये नहीं कह रहा हूं इफ फाइव क्वेश्चन पांच में से तीन भी हो जाएंगे बहुत है मोर देन इनफ मच मोर देन इनफ इससे चाहिए ही नहीं ठीक है समझ में आ गया आई होप दिस क्लियर दोट विड टूर टेलीग्राम चैनल बाई द एंड ऑफ डे ठीक है कल से स्टार्ट करो मॉडर्न इंडिया पढ़ना ट्वेंटी है कल स्टार्ट करो और है ना इससे बढ़िया दिन क्या है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए ठीक है एंड कंप्लीटेड इन विद इन फोर फाइव डेज पांच छह दिन पूरा करेंगे दो लेट्स PYQs, वाई पे पे न, अब नहीं पूछ रहा पहले बहुत पूछ रहा था तो है, है न, उसको इतनी इंपॉर्टेंस देनी है, है इस पर theme. Theme समझा आपको उसी हिसाब से इंपॉर्टेंस देनी है इंडेस okay? ये शोर्ट नोट सब डालूंगा आज ही तो इसको देख के समझ में आ जाएगा ना क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं फिर क्या पढ़ना है क्या नहीं क्लियर

एंशियंट मिडाइव कल्चर मॉडर्न के जो भी क्वेश्चन वट एवर क्वेश्चन हैव कम इन दिस पर्टिकुलर ईयर्स टू ट्वेंटी थर्टी टू ट्वेंटी ट्वेंटी ईयर्स इन दिस पर्टिकुलर नाइन ईयर्स वे गोइंग टू प्रोवाइड यू एंटायर थिंग अबाउट इट है एवरी ऑब्जर्वेशन वट एवर छोटी छोटी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन हिस्ट्री के क्वेश्चन ऑल द रिसर्च दट यू नीड द बैकग्राउंड वर्क दट यू नीड वेल गंग टू प्रोवाइड यू ओनली ओनली इफ यू

बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए तो दिखा भी नहीं रहा हूं अभी सीधा प्रोवाइड करूंगा ओनली इफ यू शो मी दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड इफ यू शो दैट यू नीड दैम ठीक है अगर मेहनत करोगे तो ये चीजें अर्ज किसी के लिए नहीं है आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर ऑल राइट ठीक है टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन ओके एंड बी वेयर ऑफ दैट थिंग दैट मैंने बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था ऑल ऑफ दिस अंडरस्टैंड यू पी टेलीग्राम चैनल चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो यू विल गेट एवरीथिंग ऑल राइट दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अच्छे से पढ़ो एग्जाम क्लियर करो देश की सेवा करो क्योंकि अब जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो आपको लिखनी है ठीक है एक ही बार छपिए इतिहास में छपिए जय हिंद वंदे मातरम